Day 3 of 30 days weight loss series through yoga and yogic diet. Namaste everyone, welcome to our channel Viren Strength Yoga. My name is Virendra Kumar. तो आप लोगों को पता ही है हम आपका वजन कम करवा रहे हैं. आज है डे 3, हम 30 वीडियो पोस्ट करने वाले हैं. सुबह सुबह 7 बजे रोजाना हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं. वीडियो आप फॉलो करते रहिए और 30 दिन में 5 से 10 किलो वजन आप कम करिए. पर आपको वो सारी चीज़ें करनी होगी जो मैं बोल रहा हूँ. अपनी तरफ से चीज़ों को ज़्यादा ऐड नहीं करना है, तोड़ना मरोड़ना नहीं है, ठीक है. वीडियो आज की शुरू करते हैं. डे 3 की ज़्यादा समय नहीं लेंगे. उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में एक बेल आइकन हो तो उसको भी दबा दो, ठीक है. वजन कम करवा रहे हैं आपका. अब क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. हम अपनी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप डालते हैं. तो इन वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आसन करें. मैं आपको आसन भी बता रहा हूँ कि आप प्राणायाम करें और क्या डाइट लें, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कमाल की चीज़. तो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आ गई है डे 3 की. डे 1 डे 2 की वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ. तो अगर आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डे 1 से शुरू करिए. डे 3 से वो लोग शुरू करें जो डे 1 और डे 2 को फॉलो कर चुके हैं, ठीक है. तो आसन करके दिखाने के लिए अब आसन शुरू करते हैं. आसन करके दिखाने के लिए हमारे साथ हैं पूजा जी. पूजा जी आसन करके दिखाएंगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये आसन किस तरह से करें जिससे आपको सही फायदा मिले, ठीक है. चले तो शुरू करते हैं पूजा जी आसन. तो जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, पहले थोड़ी देर आप अपना वार्म अप इस तरह से 2 से 3 मिनट इस तरह से जॉगिंग कर लें या इस तरह से जंपिंग जैक कर लें. इस तरह से 2 से 3 मिनट करें जिससे शरीर का वार्म अप हो जाए. और चाहे तो हमारे मैंने अपने चैनल पे वार्म अप का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, वो वार्म अप करें. जॉइंट ओपनिंग सबसे पहले कर लें. जॉइंट ओपनिंग का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ. उसके बाद एक कॉर्नर पे आइए, मैट के सीधे खड़े हो जाइए नमस्कार मुद्रा में. सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे. घुटने मोड़ के पैरों के दोनों साइड रखिए. सांस भरते हुए राइट लेग बैक ले जाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे ले जाइए. प्लैंक में रुको, शोल्डर रेस्ट इन लाइन, यहीं पे एल्बो स्ट्रेट करो एकदम. उंगलियां खोल के रखिए, ठीक है. 15 से 30 सेकंड इसमें रुकें. फिर नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन. थोड़ा पीछे हो जाइए मैट पे, नीचे हो जाइए पूजा जी. हाँ नीचे हो जाइए. हाँ ठीक है, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन. इस तरह से नीचे जाएं. सांस भरते हुए भुजंगासन, आप इनहेल, आप एक्सहेल डाउन. 1 up 2 आप 3 आप 4 आप 5 आप 6 आप 7 आप साथ साथ करिए दोस्तों. 8 आप साथ साथ करते रहिए. और ये जो हम वेट लॉस सीरीज कर रहे हैं, 9 आप और उसके बाद माउंटेन पोज. जो वेट लॉस सीरीज कर रहे हैं, देखिए दोस्तों, इससे आपका वजन तो कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है. तो कंप्लीट हेल्थ पैकेज नेक्स्ट 30 डेज में मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों. तो हमारी वीडियो को रोजाना नियमित रूप से आप फॉलो करिए. माउंटेन पोज में 15 से 30 सेकंड रुके, कोशिश करें एड़िया जमीन से लग जाए, ठीक है. अब यहीं से घुटने नीचे लगाइए और घुटने नीचे लगाने के बाद आपको घुटनों पे खड़े हो जाना है इस तरह, ठीक है. देखिए इस तरह से घुटनों पे खड़े हो जाएं. पंजे चाहो तो बाहर रख लो, इस तरह से खड़े होना है जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है. पैरों में गैप बनाइए, यहां आगे भी गैप बनाना है और पीछे भी गैप बनाना है. देखो वो साइड से पूजा जी कर रही है, सामने से मैं कर रहा हूं. अब यहीं से दोनों हाथ ऊपर उठा के जितना पीछे जा सकते हो रुक जाइए. रुकेंगे 5, बहुत बढ़िया, 4 3 2 1. पीछे हिप्स पीछे लगाइए, पीछे बैठ जाइए, दोनों हाथ आगे, रैबिट पोज इस तरह से जाएं. 15 से 30 सेकंड यहाँ रैबिट पोज में रुकें, ठीक है जी. अब यहीं से आगे पेट पे लेट जाइए, पेट के बल, ठीक है. दोनों हाथ सामने एकदम स्ट्रेट. अब राइट हैंड लेफ्ट लेग अप, राइट हैंड ऊपर उठाओ. राइट हैंड कौन सा है, ये ऊपर उठाया और लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है इस तरह स्ट्रेट. टो खींच के रखिए. होल्ड फॉर 5 4 3 2 1 डाउन. दूसरा हाथ, दूसरा पैर,
फाइव, सामने देखिए, फोर थ्री टू वन डाउन, एक बार फिर से दूसरा अप, फाइव फोर थ्री टू वन डाउन, एक बार फिर से दूसरा, फाइव फोर थ्री टू वन डाउन, एक एक बार और चेंज अप, फाइव, देखिए पूरा जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते रहिए आप, अगर बीच में थक रहे हैं तो रुक सकते हैं, थोड़ा नीचे जाइए दूसरा पैर, अगर थक रहे हैं तो थोड़ी देर रिलैक्स करके फिर से शुरू करिए, पर करिए पूरा सीरीज, ठीक है, पूरी सीरीज करिए, डे वन से लेकर 30 डेज तक की करिए, और फिर लास्ट में आपसे ये भी पूछूंगा कितना आपका वजन कम हुआ है, ऊपर रुकिए, अब नीचे जाइए, ठीक है, अब यहीं से दोनों हाथ दोनों पैर ऊपर अप, यस, होल्ड फॉर फाइव फोर थ्री टू एंड वन, नीचे जाइए, दोनों हाथ अपने चिन के नीचे लगा लो और पैरों को ऊपर नीचे चलाइए इस तरह से, ठीक है, इस तरह ऊपर नीचे चलाते रहें, बहुत अच्छा, अब यहीं से फिर से दोनों हाथ आगे खोलिए, दोनों हाथ ऊपर पैर ऊपर, फिर से आप, हाँ इस तरह रुके रहिए, होल्ड फॉर फाइव फोर थ्री टू वन डाउन, एक बार फिर से चिन के नीचे दोनों हाथ रखिए, पैरों को ऊपर नीचे चलाइए इस तरह से, रिलैक्स करें, ये हर बार जब करें तो थोड़ा रिलैक्स करें, एक बार और फिर से दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ ऊपर पैर ऊपर, फाइव फोर थ्री टू एंड वन डाउन, दोनों हाथ चिन के नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड उसके ऊपर इस तरह, लेफ्ट हैंड नीचे रखा राइट हैंड उसके ऊपर, अब यहीं से अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, देखो कैसे, आप डाउन वन आप टू आप थ्री आप फोर आप, इस तरह करते रहें, फाइव आप सिक्स आप सेवन आप एट आप नाइन, अप एंड होल्ड, ऊपर रुकना है और अपने दोनों पैरों को मोड़ लेना है जितना भी मोड़ सकते हो, ऊपर लाइए हाथ, पीछे लाओ थोड़े से और जितना पीछे आ सकते हो, हाथ थोड़े पीछे लाते हुए, हाथ थोड़े पीछे लाओ इस तरह से, और जितना हो सकता है एल्बो स्ट्रेट करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा, ये लास्ट में यहाँ तक जितना हो सकता है उतना आइए, ठीक है, उसके बाद पैर सीधे कर दीजिए और रैबिट पोज में आ जाइए, यहीं से रैबिट पोज, घुटने खोल के ही करना है इस बार, घुटने खोलिए, पीछे पंजों को मिला के रखिए और दोनों हाथ इस तरह से, ये हिप्स को हील से लगाने की कोशिश करें, ये इस तरह, यहाँ रुके, अब ऊपर आ जाइए, घुटनों पे खड़े हो जाएं, जैसे अभी हम खड़े हुए थे, तो दो तरीके हैं, एक तो जो बिगनर्स वाले हैं वो करें, एक जो थोड़ा एडवांस वाले हैं वो करें, दो तरीके कैसे, दोनों पैरों में पहले तो सभी लोग देखो गैप बना लेंगे शोल्डर्स के बराबर, अब जितना गैप आगे है उतना ही गैप हमारा पीछे पैरों में होना चाहिए, ये ठीक है, इस तरह, अब जो लोग थोड़े से एडवांस प्रैक्टिशनर है वो पंजों को बाहर रखें, जो थोड़े नए हैं वो पंजों को अंदर रखें, अब दोनों हाथ आगे, सांस भरिए इस तरह से, हाँ राइट हैंड को राइट हील पे रखो, आप पंजे अंदर करके करें, मैं बाहर करके करता हूँ, ठीक है, अब यहीं से दूसरा कंधा जो आगे है उसको इन लाइन करो कंधों के, और दोनों हाथों से अपने हिप अपने ये जो हील है उसको पकड़िए और हिप को आगे पुश करिए, एलुका यहाँ पे रुकना है, हिप आगे पुश करो, यस फाइव, इसी तरह से करें फोर, ये अब काफ़ी लोग ये नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करें, कमर पे हाथ रखें और इस तरह पीछे जाके रुक जाएं, 15 से 30 सेकंड रुकें, आगे आ जाइए, हिप पे बैठिए पीछे, दोनों पैर आगे, रैबिट पोज में रुक गए, हाँ जी, अब यहीं से आगे लेट जाइए, पेट के बल दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लो, अब यहीं से बॉडी को ऊपर उठाइए, अप जितना ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर खींच के रखो ऐसे ऊपर, ये पकड़िए एंकल पकड़ो, चलो ऊपर अप जितना उठा सकते हैं, और पैरों को नीचे नहीं दबाना ऊपर खींचना है, होल्ड फॉर फाइव फोर थ्री टू एंड वन रिलैक्स, नीचे दोनों हाथ चिन के नीचे रखो, वही पैर ऊपर नीचे एक एक करके, यस
यहां रुके 15 से 30 सेकंड। अब दोस्तों देखिए, पूरी वीडियो फॉलो करिए, लास्ट में मैं आपको डाइट भी बताता हूं अपनी, हर वीडियो में आपको डाइट भी बताता हूं आपको क्या खाना है, डे थर्ड में क्या खाना है, डे वन डे टू का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डे थ्री का आज हम बताएंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को पकड़िए। तो आपको डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ पूरी सीरीज को फॉलो करना है दोस्तों, और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, 100% रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ऊपर 5 4 3 2 1 रिलीज। दोनों पैरों को पीछे छोड़ दो, अब दोनों हाथ चिन के नीचे लगाइए। इस बार हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट हैंड नीचे, राइट हैंड नीचे, ठीक है। अप डाउन अपर बॉडी को, फिर से अप डाउन 1, पैर थोड़े अंदर करो, अप 2, इस तरह से अप 3, अप 4, अप 5, अप 6, अप 7, अप 8, अप 9, अप एंड होल्ड, ऊपर रुकिए। अब अपने पैरों को मोड़ लीजिए जैसे अभी किया था घुटनों से, और जितना पीछे ला सकते हो हाथ लाइए धीरे धीरे, नहीं ये नहीं, अभी जो हाथ अपर बॉडी ऊपर लानी है ना पीछे, इस तरह, हाँ ये, और पैरों को जितना अंदर ला सकते हैं इस तरह से, इस तरह से करना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे रुक गए, 15 से 30 सेकंड रुकें, पीछे दोनों पैरों को खोलिए और रैबिट पोज में आ जाइए, ठीक है। पीछे एकदम हिप्स को हील से लगाओ, स्पाइन को स्ट्रेट करिए, दोनों हाथ आगे खींच के रखिए, थोड़ी देर इसमें रुकेंगे। अब पीछे बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाओ, दोनों पैर आगे स्ट्रेच करिए, सीधे करो दोनों पैर, थोड़ा आगे आ जाइए सेंटर में, पंजे ऊपर की साइड, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ के होल्ड योर टोज, पकड़ के रखिए अपने टोज को, जितना आगे जा सकते हो जाइए, पेट अंदर, सांस छोड़ के थोड़ा और आगे जाएं, आगे जाएं, शाबाश। बहुत बढ़िया, अब यहीं से सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सांस छोड़ के दोनों हाथ पीछे रखो, घुटने मोड़िए, लिफ्ट योर बॉडी अप। ये अभी हमारा वीक वन का डे थ्री चल रहा है, तो 4 वीक का सीरीज है ना, तो ये धीरे धीरे हम इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा स्लो से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, आपको हम बिगनर से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे इन 30 दिन में। 30 दिन की जर्नी बहुत बढ़िया होने वाली है, सुंदर होने वाली है। आप हमारे साथ बस लगे रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारी वीडियो लाइक करके शेयर करके, और हम आपको वजन कम करवाएंगे, ठीक। नीचे जाइए, अब पीछे लेट जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हमने मैक्सिमम जो पोजेस किए कर रहे हैं वो है हमारे बैक के लिए, बैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और वेट लॉस तो कम होता ही होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। घुटने मोड़िए, दोनों हाथ दोनों साइड खोलिए, हिप्स को ऊपर उठाइए, ओनली हिप्स ऊपर उठा लो, बस ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, जितना उठा सकते हैं। रुकिए थोड़ी देर, दोनों हाथ नीचे पैरों के पास ले आओ, यस, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए, कुछ समय रुकें, नीचे जाएं, एक बार फिर से आप 15 से 30 सेकंड रुकें, नीचे जाएं, एक बार फिर से आप नीचे जाएं, दोनों हाथ फिर से दोनों साइड खोलिए, राइट एंकल लेफ्ट थाई पे रखो, राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे रखा, राइट नी को लेफ्ट हैंड से पकड़ के ट्विस्ट, चेहरा दूसरी साइड, इस तरह। तो दोस्तों पूरी वीडियो फॉलो करनी है और डाइट के बारे में भी सुन के जाना है आपको। 15 से 30 सेकेंड इधर के ट्विस्ट में रुकें, ऊपर आए, दूसरी साइड जाइए, 15 से 30 सेकेंड आप उधर रुकिए, ठीक है, रुकें थोड़ी देर, डीप ब्रीदिंग करते रहें, वापस आइए, घुटनों को कस के पकड़ लीजिए, पवन मुक्तासन, ठीक है। तो ये हुआ डे थ्री का सीरीज। अब इस पूरी सीरीज को ये हमने एक बार किया है, आपको 3 बार रिपीट करना है, मतलब एक बार ये हो गया, 2 बार और रिपीट करना है। जो लोग 2 बार और नहीं कर सकते वो 1 बार और कम से कम रिपीट करिए। स्पाइन को थोड़ा मसाज करो, अप डाउन राइट लेफ्ट, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो इसको आप पूरा रिपीट करते रहें, ठीक है। 3 बार आप ये सीरीज करेंगे तो ये आपका 30 से 35 मिनट का लगभग ये आपका सीरीज हो गया है। अब मैं आपको डाइट बताने वाला हूँ, ठीक है, ऊपर आ जाइए पूजा जी। तो अब हमारा डाइट होने वाला है डे 3 का, कौन सा डाइट होने वाला है ये समझिए।
उससे पहले आपको मैं प्राणायाम बता रहा हूँ, डाइट आप लिख लिया करें, जो भी मैं आपको डाइट देता हूँ वो लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, आपको याद रहेगा। तो प्राणायाम आपको कौन से करने हैं, डेली हम प्राणायाम आपको कपालभाति करवा रहे हैं, तो 5 मिनट सबसे पहले कपालभाति करिए, 5 मिनट अनुलोम विलोम करिए। वीडियो में इन प्राणायाम की ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ प्राणायाम की, वहाँ पे देख के आप करिए कपालभाति 5 मिनट। एक्टिव एक्सहेलेशन होता है, जब बीच में थक जाते हैं रुकें, डीप ब्रीदिंग करें, फिर से शुरू करें। सेम यही अनुलोम विलोम 5 मिनट, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, जिससे एक्सहेल किया उसी से इनहेल, दूसरे से एक्सहेल, इस तरह से। फिर भ्रामरी करेंगे 5 बार, भ्रामरी प्राणायाम, पूरा सांस लिया, सांस छोड़ते हुए इस तरह से 5 बार भ्रामरी किया, और उसके बाद 5 मिनट के लिए आपको लेट जाना है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेट जाना है। तो ये आपका प्राणायाम भी हो गया। देखिए आसन मैंने बता दिया, प्राणायाम, प्राणायाम की मोर डिटेल के लिए आप देखिए हमारे चैनल पे सारे प्राणायाम की मैं ऑलरेडी डिटेल बना के डाल चुका हूँ, ठीक है, वहाँ से समझिए। अब उसके बाद हमारा डे 3 का खाना क्या होने वाला है। देखिए डे 1 पे हमने रखा था, मैं आप हर वीडियो में बता रहा हूँ कि एक तो जो 5 किलो कम वजन कम करना चाहते हैं, एक वो जो 10 किलो वजन कम करना चाहते हैं, 5 किलो वाले क्या करें, अपना जो डेली रूटीन है उसमें से कुछ चीज़ें कट कर देनी है। कुछ चीज़ें कट करनी है मतलब नमकीन बिस्कुट के छोड़ देना है, कोई भी अगर खाते हैं कोई भी पैकेट वाला फूड नहीं लेना है, पोटैटो अपने खाने से निकाल दीजिए, चाय अवॉइड करें, चीनी अवॉइड करें, और बहुत ज़्यादा ऑयली ना खाएं, हो सके तो उसको भी आप अवॉइड कर लीजिए। और रात के खाने की जगह आप वेजिटेबल सूप लीजिए, वेजिटेबल, अच्छा सारा वेजिटेबल, रात का खाना छोड़िए। देखिए वजन कम करना है तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, अब बातों बातों में वजन कम नहीं होगा, ठीक है। अब जो लोग हमारा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं, डे 1 पे मैंने लिक्विड बताया था, डे 2 पे फ्रूट्स बताया था, डे 3 का आप लिखिए आपको क्या करना है। डे 3 पे आपको करना है जी, एक सेकंड दीजिए मैं आपको पूरा बताते, यस, सो डे 3 का हमारा जो सीरीज है, तो सुबह सुबह ये देखिए मैं एक आइडिया दे देता हूँ, डे 1 डे 2 की चीज़ें आप इसमें खा सकते हैं, बीच में फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं, जूस कोई सा भी पी सकते हैं। बाकी जब आप उठते हैं सुबह सुबह तो खाली पेट सबसे पहले आप गर्म गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा नींबू डालें, काला नमक डालें और वो पी लेंगे सबसे पहले चीज़। उसके बाद 8:30 बजे आपको मूंग वाला स्प्राउट लेना है, रात को चना आपको स्प्राउट मूंग भिगो के रख दिया, एक दिन पहले वीडियो देखें, अगले दिन इसको आप फॉलो करें, एक दिन पहले ज़रूर देख लिया करें जिससे आपको पता लग जाए आपको अगले दिन क्या क्या डाइट में इकट्ठा करना है। तो मूंग वाला स्प्राउट बना लिया 10:30 बजे, ये 8:30 बजे खा लिया, 10:30 बजे आप वेजिटेबल सूप लेंगे, और 12:30 बजे आप क्या लेंगे, लौकी की सब्ज़ी ले लीजिए, बना लीजिए लौकी की सब्ज़ी और एक चपाती खा लें, और मिस्सी रोटी खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया है। मिस्सी रोटी अगर नहीं खा सकते तो जो घर पे बनती है वो चपाती आप बना के खाइए, सब्ज़ी ज़्यादा खाइए, एक रोटी मिला लीजिए उसमें, ठीक है जी। ये आज आपकी उसमें एक चपाती भी मिलवा दी हमने, ठीक। अब उसके बाद 2:30 बजे के आसपास आप ग्रीन टी ले लें, 5:30 बजे के आसपास आप लीजिए फ्रूट्स, 5:30 बजे के आसपास आप फ्रूट्स ले लीजिए, बढ़िया अच्छे सारे फ्रूट्स खाइए, और फिर 8:00 बजे आप वेजिटेबल सूप बना के पी लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका डे 3 का, जो हमारे साथ स्ट्रिक्टली डाइट को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इसमें देखिए डाइट भी बता रहे हैं और आप प्राणायाम भी बता रहे हैं, आसन भी बता रहे हैं, ऐसी सीरीज मिलेगी आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, तो फॉलो करिए। और दोस्तों अगर ये वीडियोस अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और कमेंट करके बताइएगा किस तरह की वीडियो लग रही है, मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस। तो डे 3 की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, डे 4 की वीडियो में कल मिलेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।